हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हामीले अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर माइकल जैक्सन को बारे में कुरा गर्ने छौं। किंग अफ पॉप माइकल जैक्सन को नाम माइकल जोसेफ जैक्सन हो। जैक्सन को जन्म अगस्त 29, 1958 में गेरे इंडियाना यूएस में भएको थियो। जैक्सन को बाबा को नाम जोई जैक्सन र आमा को नाम कैथरीन जैक्सन हो। जैक्सन 5 जना दाईहरू र 3 जना दिदीहरूसँग हुर्किएका हुन्। जैक्सनले 1964 में जैक्सन ब्रदर्स ग्रुप जोइन करे। यो ग्रुप आफ्नै दाईहरूले फर्म गरेको ग्रुप थियो। जैक्सनले ग्रुप जोइन गरेपछि नाम चेंज गरेर ग्रुप को नाम जैक्सन 5 राखे। 1968 में जैक्सन 5 ले मोर्टनसँग कन्ट्र्याक्ट साइन करे। मोर्टन एउटा यूनिवर्सल म्युजिक ग्रुप कंपनी हो। जैक्सन 5 ले धेरै स्टेज शोहरू गरिसकेपछि 1969 में टेलीविजन में कवर परफॉर्म करने मौका पाए। जैक्सन 5 को पहिलो संग 1970 में आई वांट टू बैक भन्ने रिलीज भयो। यो एल्बम यूएस को नंबर 1 बिलबोर्ड हॉट 100 में 4 हप्तासम्म रह्यो। जैक्सन 5 ले 1970 में एबीसी द लव यू सेव र आई विल बी डियर जस्ता अन्य एल्बम रिलीज करे। जैक्सन फैमिली ठूलो घर में बस्ना को लगी मे 1971 में कैलिफोर्निया शिफ्ट भे। 1972 देखि 1975 में माइकल ने मोर्टनसँग 4 वटा सोलो एल्बम रिलीज करे। गट टू बी डियर 1972 में, बेन 1972 में, म्यूजिक एंड मी 1973 में र फरेवर माइकल 1975 में रिलीज गरेका थिए। जसमध्ये गट टू बी डियर र बेन माइकल को पहिलो सोलो एल्बम थियो। 1975 में जैक्सन 5 ले मोर्टन छोड़े। मोर्टन छोडेपछि इपिक रेकर्डसँग साइन करे। फेरि जैक्सन 5 ले ग्रुप को नाम चेंज गरेर ग्रुप को नाम जैक्सन्स राख्यो। 1976 देखि 1984 सम्म में जैक्सन्स ले 6 वटा भन्दा बढी एल्बम रिलीज गरेका थिए। त्यो समय में माइकल ग्रुप को मेन सॉन्ग राइटर भइसकेका थिए। जसमध्ये सेक योर बॉडी 1979 में, दिस प्लेस होटल 1980 में र क्यान यू फिल इट 1980 में रिलीज भएको थियो। जैक्सन को 5th सोलो एल्बम अफ द वाल 1979 में रिलीज भयो। यो एल्बम यूएस को बिलबोर्ड 200 में नंबर 3 में आउन सफल भयो, जिसको वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन कपीज बिक्यो। जैक्सन ने 1980 में 3 वटा अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 8 वटा ग्रेमी अवार्ड जिते। जैक्सन ने 1982 में 6th सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज करे। 1983 में यह एल्बम वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग एल्बम अफ अल टाइम बन्यो। थ्रिलर एल्बम को वर्ल्ड वाइड 66 मिलियन कपीज बिक्यो र यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट में 37 वीकसम टप 10 भित्र रह्यो। मार्च 25, 1983 में फेरी जैक्सन ने आफ्नो दाईहरू र मोर्टनसँग कोलैब गरे। अनि मे 16, 1983 में पर्फर्म गरे। त्यो पर्फर्मेन्स हेर्नका लागि 47 मिलियन भन्दा बढी अडियन्स आएको थियो। नोभेम्बर 1983 में जैक्सन ने पेप्सीको सँग पार्टनर में 5 मिलियन डलर में प्रमोशनल डील करे। 1991 में जैक्सन को डेन्जरस एल्बम रिलीज भयो। यो एल्बम को वर्ल्ड वाइड 30 मिलियन कपीज बिक्यो। 1991 में रिलीज भएको फर्स्ट सिंगल एल्बम ब्लैक र व्हाइट बिलबोर्ड हॉट 100 में 7 हप्तासम्म नंबर 1 में रह्यो। डेन्जरस एल्बम वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग अफ द इयर बन्यो र ब्लैक र व्हाइट पनि वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग सिंगल अफ द इयर बन्यो। जैक्सन ने 1992 में हिल द वर्ल्ड फाउंडेशन स्थापना गरेर गरीब रोगीहरूलाई मिलियन्स अफ डलर दान गरे। डेन्जरस एल्बमबाट जनवरी 1993 में जैक्सन ने 3 वटा अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, फर्स्ट हाइपरबेरिक इंटरनेशनल आर्टिस्ट अवार्ड र लिविंग लेजेंड अवार्ड पाए। अगस्त 1993 में जैक्सन ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को आरोप लाग्यो। जून 1995 में जैक्सन ने डबल एल्बम हिस्टोरी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलीज करे, जिसको वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन कपीज बिक्यो। 1994 में जैक्सन ने लिसा मैरी प्रेस्लेसँग बिहे गरेको थिए र 1996 में जैक्सन को डिवोर्स भयो। 1996 में जैक्सन ने डेबी रोईसँग अर्को विवाह करे। फेब्रुअरी 13, 1997 में उनीहरुको छोरा माइकल जोसेफ जैक्सन को जन्म भयो। एक वर्ष पछि फेरी अप्रिल 3, 1998 में छोरी पेरिस माइकल कैथरीन जैक्सन को जन्म भयो। 1999 में जैक्सन र रोई को डिवोर्स भयो।
1997 ज्याक्सनले ब्लड अन द फ्लोर रिमिक्स एल्बम रिलिज गरे। यो एल्बमको वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन कपिज बिक्यो। यो एल्बम बेस्ट सेलिङ रिमिक्स एल्बम अफ अल टाइम बन्न सफल भयो। अक्टोबर 30, 2001 ज्याक्सनले इनभिन्सिबल एल्बम रिलिज गरे। यो एल्बमको वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन कपिज बिक्यो। जनवरी 9, 2002 ज्याक्सनले 22nd अमेरिकन म्युजिक अवार्ड जिते। त्यही वर्ष अन्जान सरोगेट मर्डरबाट ज्याक्सनको तेस्रो बच्चा प्रिन्स माइकल ज्याक्सनको जन्म भयो। 2003 ज्याक्सनलाई फेरि चाइल्ड सेक्सुअल अब्युजको आरोप लाग्यो। लामो समयपछि ज्याक्सनले आफ्नो करियरको अन्तिम सो गर्ने घोषणा गरे। 10 कन्सर्ट लन्डन, पेरिस, न्युयोर्क सिटी र मुम्बईमा गर्ने भनेका थिए। कन्सर्टको डेट जुलाई 13, 2009 मार्च 6, 2010 थियो। तर लन्डनको सो आउनुभन्दा 3 हप्ता अगाडि जुन 25, 2009 हार्ट अट्याकको कारण ज्याक्सनको मृत्यु भयो। ज्याक्सनको मृत्यु भएको खबर अनलाइनमा आउन साथ लाखौँ मान्छेले सर्च गरेर ओभरलोडका कारण गुगलको सर्च इन्जिन नै क्र्यास भएको थियो। माइकल ज्याक्सनले आफ्नो करियरमा पाएका केही अवार्डहरू 39 गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड, 13 ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, ग्रेमी लेजेन्ड अवार्ड, 26 अमेरिकन म्युजिक अवार्ड, 26 ओल्ड म्युजिक अवार्ड। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।